आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं यूपी निकाय चुनाव से। क्या यूपी निकाय चुनाव से पहले एक बड़ा गठबंधन तैयार हो रहा है? यूपी निकाय चुनाव से पहले क्या मायावती, अखिलेश यादव, राजा भैया एक बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं? इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, आप हमारे मॉनिटर पर देख रहे होंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। बकायदा योगी आदित्यनाथ इन दिनों एक्टिव हो गए। एक्टिव होने की वजह है क्योंकि यूपी निकाय चुनाव में देरी हो रही है और समाजवादी पार्टी अभी हाल ही में कई जो है उपचुनाव को जीत हासिल कर चुकी है और ऐसे में कोर्ट से भी योगी आदित्यनाथ को झटका लगा। दरअसल कोर्ट ने सवाल पूछा है कि आखिरकार देरी क्यों हो रही है, आखिरकार किन वजहों के चलते जो है सरकार चुनाव नहीं करवा रही। तो देखिए, अभी की जो तस्वीर निकल कर आई है, जो जाहिर तौर पर चीजें निकल रही है, वो ये साफ तौर पर इशारा कर रही है कि आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आने वाले समय के अंदर तस्वीर जो है वो बदलती नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हालात इस वक्त के बने हुए हैं वो जाहिर तौर पर ये इशारा कर रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। दरअसल समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हम सरकार बनाने के लिए तैयार है और उधर मायावती जो है विपक्ष की तरफ पूरी तरह से देख रही है, विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरह से विपक्ष मजबूत हो रहा है उसको देखकर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैरान है, परेशान है। यूपी में लगातार बीजेपी को एक के बाद एक झटके लगते चले जा रहे हैं। तो क्या आने वाले समय के अंदर उत्तर प्रदेश में अगर विपक्ष मजबूत हो जाता तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी क्या खतरे में पड़ जाएगी? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।